जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताय नमः सेयानम नमो आरियानम नमो वज्जायानम नमो लोये सबसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम आत्मंगलि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। बहुत सुंदर छंद है। वैसे तो आपके हाथों में ग्रंथ होता तो आपको बहुत मजा आता। रोचन साहब जी, बहुत ही सुंदर छंद है, गाने में मजा आएगा। द्रव्य सिद्धौ चरणत सिद्धि द्रव्य सिद्धेश्चरण सिद्धम गाने में मजा आएगा। वद्वेद कर्म वीरताम परेशि द्रव्या विरोधम शरणम चरन्तु इति चरण चरणे परान प्रयोज्य। अब हमने संस्कृत बोला, कैसे समझ में तो आए? बोलो हाँ बोल दे, डर का है? आया कि नहीं आया समझ में? कि नहीं आया? अब समझ में आया। देखा जहां हमें प्रयोजन सिद्ध होता है ना, प्रयोजन सिद्ध वहां उमंग आ गई है। प्रयोजन समझते हो? आज जो बच्चा अच्छे से काम करेगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इस शिविर में 18 दिन अच्छा काम करने वालों को जो गुरु जी का देश जीत लेंगे और डॉक्टर साहब जिसको कहेंगे ये लड़का बहुत अच्छा है उसे 1,00,000 रुपए का प्राइज मिलेगा। अब ये बात तुम्हें पता लग गई, ये डिक्लेयर हो गया 1,00,000 रुपए मिलेगा। कौन को मिलेंगे? डॉक्टर साहब जैसे पसंद करेंगे। ये भोजनशाला में भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, मंदिर में भी देखेंगे, स्वाध्याय में भी देखेंगे। वे मंदिर में भी देखेंगे तुम ऐसे ध्यान लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, उद्यम कर रहे हो। तो अब तुम जी बताओ ना, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार पाने के लिए तुम क्या करो? उद्यम मचाओगे कि अच्छे से काम कर रहे हो? बोले 24 घंटे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1,00,000 का प्रयोजन दृष्टांत है। मैं तो मुझे तो ये पढ़ाना है, 1,00,000 रुपए पाने का प्रयोजन तुम्हें दौड़ दौड़ के काम करवाएगा। गर्मी नहीं लगेगी तुम्हें? क्यों गर्मी नहीं लगेगी? इतनी गर्मी पड़ रही, अब प्रयोजन नहीं हुए तो फिर अपन एक कमरा में घुस गए, पंखा चलाया, कूलर चलाया, दरवाजा मार, भोजनशाला में गए, दूध की मलाई खेती खाई और भाग गए, चढ़ते मिठाई बन गई तो लड्डू खाए भाग ले जाता। भैया ये काम ठीक हम बुला रहे, अब बेचारा वो खड़ा ही है, बिस्तर वहां पड़े हैं, आदमी वहां खड़ा है, अब हम क्या करें? हमने कहा था वो आया नहीं आदमी, समझ आ गए कुछ? बोलो कौन सी व्यवस्था करना अच्छी लगेगी आपको, पहली बार की दूसरी बार? दूसरी व्यवस्था में 1,00,000 नहीं मिलेंगी। काम बहुत करोगे आप, बोलो काम किसमें ज्यादा अच्छा करोगे आप? 1,00,000 मिलेगा उसमें या 1,00,000 नहीं मिलेगा उसमें? ज्यादा काम, अच्छे से काम, कौन से में करोगे? अरे 1,00,000 नहीं मिले तो नहीं करेंगे हम आराम से। सो पंडित जी इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी दूर कैसे जाए वहां तक? पसीना पसीना हो रहे, मम्मी मम्मी कह रहे मोड़ा दूर होगा। समझ आ रहे? सुन रहे हो? नहीं समझ रहे? देखिए बीड़ी का बालक बीड़ी काई डाली है, ढांक दियो कवर चढ़ा ले बालक बीड़ी, बालक भी हो बीड़ी भी बहुत ही अच्छी बात है। कहो आई बालकों को पीने लायक बीड़ी है। बालक बीड़ी का क्या मतलब होता है? बालकों को पीने लायक
ढाक ले रहे, नहीं तो हटाए भी ना कहा हमें देखियो और अच्छी कॉपी हो रही। तो कभी ऐसे प्रचार की कॉपी मत रखना। इसका मतलब समझे क्या आता है, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी आईपीएल में खेलता है, तो वो शराब की कंपनी है, इधर शराब का विज्ञापन लिखा जाता है उसका, वो मुसलमान है, मुस्लिम संप्रदाय में शराब पीना मना है, तो वो शराब नहीं पीता, तो शराब का विज्ञापन भी नहीं देता, कृतकारी का अनुमोदन, तो शराब भी नहीं पीता। तो उसने क्या किया, जितना विज्ञापन था ना उतने में रुमाल लगा दिया, रुमाल को क्लिप कर दिए, पंच कर देते ना पंच, रुमाल को पंच कर दिया, पूरे वर्ल्ड के टेलीविजन ने उसी उसी की बनियान दिखाई, पूरे वर्ल्ड के टेलीविजन आईपीएल में जितने कैमरे चल रहे हैं ना सब उसी से दिखा रहे, बार बार यही चर्चा कर रहे कमेंटेटर, ऐसा क्यों किया, इसलिए किया। आप समझ नहीं सकते, एक एक खिलाड़ी की वजह से पूरे विश्व में कुरान की तारीफ हो गई, मुसलमानों की तारीफ हो गई, उसी उसी की तारीफ हो रही, उसी उसी खिलाड़ी, कश्मीर का है खेलने वाला, कश्मीर का, समझ में आया क्या कह रहे हैं हम। कभी इसका विज्ञापन मत करो, जो चीज हम खाते पीते नहीं है जिंदगी उसकी चीज नाम पे भी मत लगा के लगो, समझ गए सब बच्चे, ऐसी बोल मतलब टी शर्ट जिस पर कुछ गलत लिखा है, आई लव यू लिखा है, ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें लिखी है, ऐसी चीजें नहीं कही ना, ऐसी एक किताब का भी समझ लेना है ना, तो कभी नहीं रखना है, सबको बता देना था इसलिए सबके सामने कह दिया। अपन तो काम की बात करो, अब फिर बोलो जिसमें तुम्हें 1,00,000 मिलना है उसमें अच्छे से काम करोगे दौड़ दौड़ के, जिसमें 1,00,000 नहीं मिलना तब दौड़ दौड़ के काम करोगे, पक्का है। अब हम 1,00,000 से भी ज्यादा का इनाम दिलवा दें तो, लेकिन नगद नहीं मिलेगा, नगद नहीं मिलेगा, इनाम बहुत जबरदस्त है, कहो तो बता दे तुम्हें, बोलो भाई हम तुमसे कहें कि ज्ञान दान के शिविर में तुम जोरदार सेवा करो, भक्ति करो सब कुछ, अरे महाभाग से ऐसा अवसर मिलता है, जिसके भाग्य है उसको समोसरण लगाने का सौभाग्य मिलता है इंद्र को, अब इंद्र तो है नहीं, आरंद भगवान है नहीं, तो समोसरण अपन ही लगा रहे, समझ गए, समोसरण लगाने के पुण्य में क्या मिलता है पता है, 1,01,00,000 क्या मिलता है समोसरण लगाने के फल में, बताओ बराबर कि केवल ज्ञान मिलता है। अब बोलो ये 1,00,000 चाहिए केवल ज्ञान चाहिए, बोलो है पक्का, कौन कौन को चाहिए केवल ज्ञान, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो अब तुम जैसे 1,00,000 रुपए मिलता उसमें तुम भिड़ के काम करते ना, गर्मी देखते ना सर्दी देखते, और ये लगता कि डॉक्टर साहब हमको अच्छा समझे, सारे विद्वान हमें अच्छा समझे, सारे भावी सिद्ध हमारे यहाँ पधारे हैं, सब कोई सुविधा हो जाना चाहिए, कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए, अरे मैं दौड़ दौड़ के भावी सिद्धों की सेवा कर रहा हूँ, बस इस लगन से जो बच्चे इस शिविर में काम करेंगे गारंटी है उनको 1,00,000 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। अब बताओ ये कौन कौन को केवल ज्ञान चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ पंडित हमारी बस की नहीं है, हमें नहीं चाहिए केवल ज्ञान, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, केवल ज्ञान मिल जाने का फायदा मालूम है, केवल ज्ञान मिलने का फायदा क्या होता है कि फिर 1 इंद्रिय में जन्म होता है, 2 इंद्रिय में जन्म होता है, 3 इंद्रिय में जन्म होता है, नहीं होता क्या, केवल ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, गटर में कीड़े बन जाते हैं, बोलो सही है ना, नहीं जन्म मरण का अंत हो जाएगा। अब बस अभी क्या बोला था, प्रियोजन पर जिसकी दृष्टि होती है वो अच्छे से काम करता है, और प्रियोजन पर नहीं होता हम, अब हम तो इसमें से पढ़ के सुना रहे, हमने तो इसका इसकी भूमिका बनाई, शिविर की भी बन गई, भिड़ के काम करो, कोई कहे उससे पहले काम करो, क्योंकि जब तुम्हें लग रहा है ना कि इसमें मुझे फायदा होने वाला है, क्या बता भैया आज
चार लाइन का एक लेटर लिख सकते हो तुम तो, चार लाइन का लेटर अपनी अपनी कॉपी हमें दिखाना है। मम्मी इस सेवा में मैंने भगवान बनने के संकल्प लिया है, मैं भावी सिद्धों की सेवा करूंगा जोरदार, इतनी अच्छे सेवा करूंगा किसी को कमी ना रह जाए। मम्मी आज मुझे पता लगा कि इसके बदले में मुझे केवल ज्ञान होगा। और इतनी चार लाइन लिखो, कौन कौन लिख सकता है? और संकल्प हो गया तो फल तो संकल्प का है, फल तो संकल्प का है, लिख के दिखाओ कौन कौन लिखता है। मैंने तो एक भजन लिखा था बहुत साल हो गए, तो जब मैं नौकरी करता था उस समय, तो उस समय एक भजन लिखा था, मुझे बहुत पसंद लगती थी वो चीज। कब लिखा था पता है? 84 में, 84-85। तब तुम कहां थे? है? कोई कोई गति में हो गई। तब लिखा था मैंने, मुझको भी केवल ज्ञान हो, मां जिन वाणी वरदान दो, मुझको भी केवल ज्ञान हो, मां जिन वाणी वरदान दो। देखता हूँ यदि मेरे लैपटॉप में होगा तो हम दे देंगे आपको, सामूहिक गाना है यहाँ पर बहुत जोरदार है। तो लिखोगे चिट्ठी? कौन कौन लिख लेगा? कोई नहीं लिखेगा, एक बच्चा लिखेगा, दो तीन चार पांच छह, वेरी गुड वेरी गुड जी। बच्चा तो समझ ही नहीं हो का बाबा, नहीं समझ में आया नहीं कुछ, क्या समझ में आया? लेटर लिखना है, कौन को लिख लोगे? तो अच्छे से हाथ खड़े करो, हाथ नहीं, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जिनकी मर्जी वो लिख लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना। 1 लाख तुम्हें बहुत बड़ा लगता है ना, इसलिए तुम 1 लाख के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो, दौड़ धूप कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा, इनाम मिलेगा, फोटो खींचेगी। नहीं केवल ज्ञान हुआ तब क्या हुआ ये बताओ? वो तो ठीक है, लोग को बढ़िया बात, अच्छी बात, और अच्छे बोला गाँव में गाँव गाँव समझना, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना, नहीं तो मजे लेना। मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, समय शिखर जी गए थे हम, तब श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति लिखी थी, श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति सुनना है। तब श्रेय हमारा जाएगा श्रेयांशनाथ भगवान को, तब श्रेय हमारा जाएगा कब? अब जी कब? कब की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। जब सम्यक दर्शन पाऊंगा, जब 5 पाप को त्यागूंगा, जब पंचम गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, जब प्रतिमा का पालन करूंगा, जब जंगल में जाऊंगा दीक्षा लूंगा, ऐसे लंबी है तो पूरा नहीं रहूं पूरा, श्रेणी में ध्यान लगाऊंगा, केवल दशा को पाऊंगा। अब जो मुझे गाना वो अब गा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब समवसरण में बैठूंगा, जैसे अभी हम यहां बैठे ना, जैसे हम समवसरण में बैठेंगे, कौन? नहीं मैं, तुम थोड़ी, तुम तो सुनोगे हैं? एक नीचे समोसरण में क्या होगा, वो हमारे नीचे क्या होगा, सिंहासन के नीचे हैं? कमल, स्वर्ण कमल, पीछे क्या होगा, महामंडल, और 64 क्या होंगे, चौहर। ऐसी कल्पना करके लिखाए हो, जब समवसरण में बैठूंगा, जब दिव्य ध्वनि बरसाऊंगा, मुक्ति की राह दिखाऊंगा, जब मोक्ष महल में जाऊंगा, तब सिद्ध प्रभु कहलाऊंगा, फिर लौट कभी नहीं आऊंगा, फिर शादी अनंत सुख पाऊंगा।
तब श्रेय हमारा जाएगा, श्रेयांश नाथ भगवान को। तो इसमें ऐसे कह रहे हैं, अब हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये बताओ क्या है? आपने देखी दो तरह के बच्चे होते, एक का पढ़ने में मन ही नहीं लगता, खा पांच भी किताबें हैं, उनको मन ही नहीं लगता ना, अंग्रेजी रटो, संस्कृत रटो, जबरदस्ती गणित रटो, नहीं है ना? ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता। और एक बच्चे ने टारगेट बना लिया, टारगेट क्या टारगेट बना लिया, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, जो भी शास्त्री बनना है, मुझे डॉक्टर हुकुमचंद भारी जैसा बनना है। अब जिसने ठान लिया ना, वो प्रयोजन हो गया उसका। अब प्रयोजन हो गया तो पढ़ाई करना पड़ेगी कि होगी? करना पड़ेगी कि होगी? होगी। अपने आप मन लगेगा, अपने आप खोलेगा, अपने आप जाएगा आगे, बस बढ़ता है। अब यहाँ यहाँ कह रहे, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा मम्मी मैं समा शरण में बैठूंगा, मेरी देवी ध्वनि खिलेगी, 100 इंद्र मुझे प्रणाम करेंगे, 64 चवन, जरा एक बार सोच के देखो, जरा भगवान के सामने ध्यान करो, ध्यान करके, रियल कह रहा हूँ, ध्यान करके देखो आप। एक्चुअली हम ध्यान ही नहीं करते, अपन तो अभी लगता है अपन बोलिए सड़क छा वो गांव के खाम खेड़ा के, और ये सोच खराब है हमारी, ये सोच खराब। जिस दिन इतना भव्य ध्यान हुआ ना, तो आपके जीवन में टारगेट आने पर काम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, द्रव्य सिद्ध चरण सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि में ही चरण की सिद्धि है। क्या बोले? द्रव्य की सिद्धि में ही चरण की सिद्धि है, द्रव्य की सिद्धि में ही चरण की सिद्धि है। याद हो गया? बोलो बेटे, बोलिए बेटे, कौन बोलेगा? तुम्हें नींद आ रही है? नहीं आ रही तो तुम बोलो। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ गई सबको? अभी कहां समझ आई, मैं समझा ही नहीं। अभी तो वाक्य याद किया, द्रव्य की सिद्धि में ही चरण की सिद्धि है। सुनना, बहुत काम का प्रवचन चल रहा है, हमारी उत्तियां लिए बच्चों में सरल हो जाता थोड़ा, और कुछ नहीं, पंडिताई नहीं कर रहे अभी, हम आनंद कर रहे हैं। तो सुनना प्रदीप, तुमसे भी कह रहे, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है। क्या मतलब? ऐसा आचरण किसी काम का नहीं है जिसमें द्रव्य स्वभाव की प्रसिद्धि ना हो। क्या तुम पानी शाम की काय पी रहे? हम जैन है, ए जैन सिद्धि नहीं करो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली कारण परमात्मा हूँ, उसकी सिद्धि होनी चाहिए। जिसमें गाय की सिद्धि नहीं हुई वो काय का आचरण? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे टाइम पास ब्रह्मचारी, न आत्मा का लक्ष्य, न त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य, न वो भगवान बनने का विचार, इसे रोटी खाए का भाई, ये भोजन की व्यवस्था है, अब नहीं सो चलो जी खाए, अच्छा बस, ज्यादा होगी तो आलोचना कर देंगे, इधर कोई पानी छानने वाला नहीं। अरे कोई नहीं है, तुम भी तो नहीं हो। हर आदमी अपने आप को देख ले पानी छानने वाला, पानी छानने लगेगा छुट्टी, चार आदमी मिले ये पानी अच्छा नहीं छान रहा इधर, तो चार ही ना कहीं चलो अपन चलो पानी छान गया। अरे इधर साहब दूध नहीं है, चलो अपन चार जने दूध ले आए। मैं आदमी का आचरण कौन सा द्रव्य की सिद्धि के लिए होना चाहिए। द्रव्य मैंने यहाँ प्रयोजन समझ लो, समाज सरल माता प्रयोजन, जिसमें भगवान आत्मा दिखाई ना दे वो चरण चरण नहीं है, आचरण नहीं है। और जिस आचरण में भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है वो आचरण आचरण नहीं है। और अब द्रव की तरफ से देखो, द्रव की तरफ से ध्यान से पहले सुन लो, पहले फसल सभी लोग ध्यान से सुनो बेटे, एक भी लाइक छोड़ने लायक नहीं है। अभी वो तो दृष्टांत अभी तक इतने सारे बिल्कुल अच्छी बैठे बढ़िया, हमें मालूम तो समझ में आया, इसलिए हम कह रहे बिल्कुल। मेरा प्रवचन तो आज से शुरू हो गया, हमारा शिविर तो आज से चालू हो गया, मंगलाचरण पढ़ लिया हमने, पकड़ना पॉइंट। तुम्हें ये पता लग गया द्रव्य की सिद्धि, एक करोड़ का हीरा है वो गटर में गिर गया, तो तुम्हारा आचरण क्या होगा अब बता दो। जहां तुम्हारी एक करोड़ के हीरे पे नजर है द्रव्य की सिद्धि हुई, तो आचरण कैसा होगा? कैसे उठाओगे? एक बांस ले आओगे ऐसे ऐसे उठाओगे? कैसे उठाओगे पता सकते? कैसे उठाओगे? एक हरिजन को बुलाएंगे,
अरे ये नहीं बताओगे कैसे उठाओगे, जल्दी बता। बोलो भैया एक करोड़ का हीरा है, पहले समझ लो एक करोड़ का है वो तुम्हारा ही है, हमारा भी नहीं, हमारा हो तो तुम छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हारा है। बोलो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, बोलो जल्दी। ग्रीन शर्ट एक करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो क्या करोगे, नहीं निकालोगे। हमारी मम्मी ने कही थी गटर में हाथ नहीं डाला। बोलो मम्मी की याद करोगे, नहीं करोगे, मम्मी ने कही नली में हाथ नहीं डालो, क्या करोगे अब जल्दी बोलो, है नहीं उठा। एक करोड़ को है, करोड़ समझो 100 लाख, बोलो जल्दी बोलो क्या करोगे, उठाओगे उठाओ, नहीं मानोगे जल्दी बोलो कैसे उठाओगे। प्रश्न ये आज द्रव की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, द्रव की सिद्धि हुई पहले नंबर, आहा मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं क्या है, अरे रे नव द्वार भये गिरकारी गटर में पड़ा है, मोह राग द्वेष के गटर के गंदे परिणामों में पड़ा हुआ है, खाओ कमाओ लड़ाई झगड़ा मार काट हिंसा झूठ चोरी कुशील परिवेश, अरे कैसे गंदे गंदे भाव, ओ ये भगवान उसमें पड़ा है, अब क्या करोगे बता। एक करोड़ का हीरा गटर में गिरा कैसे निकालोगे बोलो, अब ये समझ लो 4 फुट गहरी है वो, तुम खुद ही 5 फुट के हो और 4 फुट भरी है वो लवा लव, बोलो कैसे निकालोगे वो, बोलो। और ये और समझ लो, चलो वो जो हीरा पड़ा है ना हीरा, उसके आगे पीछे जगह जगह गटर में और गड्ढे हैं, ये जरा भी चूक गए तो हीरा गटर में गड्ढे में घुस जाएगा तो और मुसीबत हो जाएगी, अब क्या करोगे ये बताओ। सरका सरका के देखोगे, झरिया से निकालोगे क्या करोगे था, बोलो क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे हैं, कैसे निकालोगे बताओ। हाथ से तुम 4 फुट के तुम हो, 4 फुट की गटर है, बताओ क्या करोगे हैं, अब सोचो क्या करोगे, मतलब कितना सोचो, मेरा मुझे जो समझाना वो समझो, इस आचरण में कितनी सतर्कता है, ये क्या है, इस आचरण में इतनी सतर्कता क्यों है, क्योंकि उसकी 1 करोड़ रुपए के हीरे पे नजर है। ऐसे ही तुम्हारा आचरण अच्छा क्यों नहीं होता, खान पान अच्छा क्यों नहीं होता, उठना बैठना अच्छा क्यों नहीं होता, पूजा पाठ अच्छी क्यों नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी नजर हीरे पे नहीं। तुम्हें जिस दिन कारण परमात्मा की महिमा आएगी, भगवान आत्मा की महिमा आएगी, अरे मैं भगवान हूँ, और गंदे भाव में रहे, गंदे भाव में क्यों, अभी हम हैं ये लोग लैटिन कर जाते हैं नदी के किनारे, नहीं देखे होंगे लोटा पार्टी तुम्हें लोटा पार्टी जाती हूँ, अब भाई हम जाके बैठ कर रोटी खाए तो तुम क्या कहोगे, पंडित जी कहाँ बैठे, अच्छा और कोई आदमी बैठा हो तो क्यों नहीं कहोगे, और कोई आदमी बैठा तो क्यों नहीं कहोगे, हमसे क्यों कहोगे, अरे पंडित जी हमें मालूम है आप कौन हो, आपको वहां नहीं बैठना चाहिए, यानी हम तुमसे कह रहे तुम भगवान हो, जब तुम्हें समझ में जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगी ये शरीर में रहने लायक नहीं है, ये गटर की गंदगी के परिणाम, मोह राग द्वेष गंदे गंदे भाव गाली गलौज लड़ाई झगड़ा रात्रि भोजन, अब आपसे भक्षण, अब तुम्हें दूसरों पर भी दया आएगी, ये बेचारे कैसे निकले, पॉइंट समझ में आ गया था, तो द्रव्य की सिद्धि में ही, आप द्रव्य स्वभाव को नहीं जानते तो चरणानियोग सही नहीं होगा आपका, और फिर उस चरणानियोग को हम चरणानियोग नहीं कहते जिससे द्रव्य की सिद्धि ना हो, तुम खूब गटर में नहा लिए, नहा लिए मैंने निकाल रहे थे, अब डूब गए इतने और नाक बंद करके इतने भी झुकने पड़ो, बचकर नाक तक लग गई गंदगी में, लेकिन हीरा मिलो ही नहीं, क्या मतलब निकलो बोलो, मैंने उस आचरण से भी क्या फायदा जिसमें से हीरा नहीं निकला, और जब हीरे की नजर है तो कितना अलर्ट होकर के आचरण होगा, कितना अलर्ट होकर आचरण होगा, ये सोचा हमने सब कुछ किया दिया इसे, क्योंकि चरणानी चूलिका आ रही है, चरणानी चूलिका पहली लाइन में आनंद द्रव्य सिद्ध चरण सिद्धि याद हो गया, इतना गायन में इतना मजा आएगा, आपने देखा गांव में कभी कभी इंद्र इंद्र बज्र कर लेता, इंद्र बज्रा वे झाड़ में जीने लगे गाते हैं,
खूब गाती, बहुत फेमस रहा गई, याद हुआ। द्रव्य सिद्धौ चरणस्थिति, द्रव्य सिद्धि चरणस्थिति। उल्टा कर दो, बस नीचे आके उल्टा कर दिया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? दृष्टांत याद रह जाएगा। 1 करोड़ का हीरा निकालोगे नहीं निकालोगे? बोलो, खड़े होकर बोलो, कैसे निकालोगे? तुमसे पूछा पीछे, हाँ कैसे निकालोगे? बहुत बदबू आ रही, मानता हूँ, कैसे निकालोगे? हैं? क्या क्या नहीं चाहिए तो है ही, चाहिए भी बात क्या है वो तो पहले की बात हो। 1 करोड़ का तो अच्छा, 1 करोड़ का हीरा गिर जाए, छोड़ के चले जाओ। हाँ जी, ऐसे बोलो ईमानदारी से, चाहिए का चाहिए ही बात है। 1 करोड़ का हीरा, 1 करोड़ समझे तो तुम्हारे मम्मी पापा की पूरी जमीन जायदाद बेच के तो हीरा लाओ तुम, और वो हीरा गटर में गिर गया, अब क्या करोगे? कैसे? जैसे का मतलब कि कूदने पड़े तो कूदेंगे, हाथ डालने पड़े तो हाथ डालेंगे, ना बाकी गंदगी देखेंगे, ना बदबू देखेंगे, वाणी देखेंगे, हीरा निकालेंगे। ऐसे तुम सबका हीरा भगवान आत्मा बैठा, तुम सब भगवान हो जिनके तुम दर्शन कर रहे हो, ऐसे हो। कौन कौन? हाँ ऐसे हो। जब तुम ऐसे हो, हम ऐसे, 100 इंद्रों से पूछ, 64 चमन, एक एक आंख बंद करके देखो, तुम भगवान बन के समुद्र में बैठे और 100 इंद्र ऐसे घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? इंद्र आते हैं स्वर्ग के, इंद्र विमानों में पुष्पवृष्टि करते हैं, हे प्रभु जय हो जय हो जय हो, हे सुमतनाथ भगवान जय हो। मैं अपनी कह रहा हूँ, तुम अपनी अपनी कहो, तुम अपनी कहो, तुम कौन से नाथ हो? आप बोलो, अक्षत नाथ, जय हो अक्षत नाथ की जबर जयकार हो रही। हमारी पाठशाला ऐसी चलती थी भोपाल में, हमने भोपाल में पढ़ा है। ऐसे जब वो लाइन आती है ना, लाइन कब धन सुवसर पाऊं, उसका अंतिम क्षण चौथा क्षण है उसमें, उसमें केवल ज्ञान प्रकट होता है। आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को निदयो चरू, बस इसका ध्यान करो इस लाइन का, इसका ध्यान करो, न मजा आए तो कहो, नहीं तो यहाँ से और चलो ठीक है, पंचम काल है, रोते रहो पंचम काल के नाम पे, अब जित तो पल जाए उत तो पल रहो, जी जी आनंद बताए है, कैसे नहीं? जो एक लड़का कह रहा है छोड़ूंगा नहीं, क्या एनी हाउ समझते हो? कून ना पड़े तो कून जाए, बदबू भयंकर आ रही तो आंधी, नाक बंद करना तो कर लेंगे, नहीं होगी तो जो देखी जाएगी बाद में देखी जाएगी, पहले तो ऐसे ही अपने भगवान को 5 इंद्रिय के विषय भोग, 4 गति 4 कसाय सप्त व्यसन से ऐसी प्रबलता से निकालता, इसका नाम आचरण है। ए रोटी खाने का नाम आचरण नहीं, शुद्ध रोटी खाई इसका नाम चढ़ना नहीं हो, शुद्ध रोटी खाने का नाम चढ़ना नहीं है, पानी छानने का नाम चढ़ना नियोग नहीं है, कपड़े बदलने का नाम चढ़ना नियोग नहीं है, अपने भगवान को जैसे बने इन भिखारी परिणामों से निकाल लेना है, उसका नाम चढ़ना नियोग है। कितना सुंदर छंद, द्रव्य सिद्धौ चरण सिद्धि, द्रव्य सिद्धि चरण सिद्धौ, याद ही हो गया। रोज अब गाइए बन रहे सब पब्लिक के सामने, उन्हें नहीं मिल पाई ये चीजें तो मिल गई, दे दो चढ़ना नहीं, समझ में आया? चढ़ना नहीं के नाम पे ऐसा रूखा रूखा जड़ गिरिया, अब भैया हमसे तो रेत हाथ नहीं है, कुआ को पानी भर गया, ऐसे रोज रोज पानी भर, बुंदेलखंड का हिसाब ऐसा ही, घी लेती थी कपड़ा पहन ले ठंड में ठंड से, अब क्या करें भैया हम तो रोटी खाते हैं, है तुम घो कौन पहले तो बताओ कौन हो? जब तुम ये सिद्धि होगी, द्रव्य से सिद्धि, 1 करोड़ का हीरा कौन, क्यों 1 रुपया को रसगुल्ला गिर जाए तो नहीं निकालेंगे,
सिखा लो नहीं, ये रसगुल्ला नहीं नहीं निकालोगे, किसी कीमत पर भी नहीं निकालोगे। अच्छा हम 10 रुपये देंगे, चार निकाल के खा लो, नहीं धो के खा लियो, अरे 3 बार धो के खा लियो। अच्छा 100 रुपये देंगे, चलो जल्दी बोलो। अरे बोला 100 रुपये देंगे, निकाल खा लो, धो गए 3 बार धो लियो, कुआ के पानी से वहीं पकड़ा। क्या कहा मैंने, क्या कहा, जिसमें द्रव की सिद्धि नहीं होती उस चरण की क्या कहे, जिसको शुद्ध भगवान आत्मा दिखता ना हीरा, तब जाकर के इसका आचरण सम्यक होता है। बहुत बड़ी शर्त लगाई जी, मुझे इतना अच्छी पंक्ति लगती है, ये बहुत बड़ी शर्त लगाई, जिसके द्रव्य की सिद्धि नहीं उसके चरण की सिद्धि नहीं, और जिसके चरण की सिद्धि नहीं उसके द्रव्य की सिद्धि नहीं। अतः ने जान तो लिए भगवान भगवान क्या है, आत्मा भगवान आत्मा, ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा, और निकालने का ठिकाना नहीं। का मतलब निकले जाओ, क्यों गटर में क्या गिरा, 1 करोड़ का हीरा, चलो पंडित जी घर चले, 1 करोड़ का हीरा चले, क्या तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा और तुम रेलगाड़ी में ऐसे रख के उतर जाओगे। आचरण कब अलर्ट होता है, जब हीरे की दृष्टि होती है, ऐसी भगवान आत्मा का अनुभव होता है, उनका आचरण अच्छा होता है, और आचरण उन्हीं का अच्छा होता है जिन्हें भगवान आत्मा की सिद्धि करनी हो, प्रगटता करनी हो, बस अपने एक लाइफ में पूरा चढ़ना नहीं, चूलिका का सहारा है। जिन जिन में भी स्वच्छता आ रहे हैं, जिन जिन के भी आचरण में, मुनि दशा का वर्णन इसमें, इस बार यही संकल्प करके आए हम 75 गाथा पढ़ेंगे, पूरी 75 गाथा चलाने का मन है, कई बार अपन पढ़े तो सही आए समझ में। तो मुनि दशा किसका नाम है, स्वच्छता क्यों नहीं होती मुनि दशा में, तुम बताओ कितने लापरवाही करोगे हीरा निकालने में, बोलो। अब पंडित जी 2 घंटा से लगे चूल्हे छोड़ बाहर में जाए, हम तो जा रहे, अरे जरूरत पड़ जाए खोद खाए, खोद खाए समझ गए, जैसे बने वैसे, जैसे बने 10 बार भी मट्टी चाक चेक करने पड़ेगी, निकाली हुई निकाली मट्टी 10 बार तो 10 बार चेक करे। तुमने वो देखे रज धोवा, नाम नहीं सुना होगा लेकिन देखे तो होंगे, रज धोवा समझते हो, रज धोवा नहीं समझते, भी गटर के किनारे बैठ के पानी में डाल डाल के धो दे, पहले निकाल ले झाड़ू करके कचरो, तो पानी डाल के गटर के पानी से धो दे, वाकई नहीं धो रहे हैं। सोने की एक कण, हीरे का सोने का चांदी का एक कण, उसे निकालने के लिए तो धोते वो लोग, क्योंकि हमें एक कण भी छोड़ने लायक नहीं, ऐसे ही भगवान आत्मा किसी भी कीमत पर छोड़ने लायक नहीं है। समझ गए बेटे, पढ़ाई में तभी मन लगेगा तुम्हारा, तो मैं चले चलो स्कूल की किताबें हैं, कॉलेज का कोर्स है, पढ़ लो भाई, क्या डिग्री मिल जाएगी, फिर बीएड कर लेंगे, फिर टीचर बन जाए, राम नाम सत्य है, तो नहीं पढ़ पाओगे, पहले पक्के में नहीं पढ़ पाओगे। 1 करोड़ का हीरा दिखे तब तुम कितनी कितने अलर्ट होके निकालोगे, और इतनी मेहनत करी और नहीं निकला हीरा तो क्या मतलब निकला। ऐसी अनंत भाई मुनि दीक्षा ली लेकिन भगवान आत्मा की सिद्धि नहीं हुई, सब बेकार चला गया। आया समझ में आया, समझ रहे, अब तब तक हमसे मिलते रहे ना जब तक सिद्धि नहीं हो जाए, नहीं तो तुम जगह हम तो भाग्यहीन है पंडित जी, गिर जान दो हीरा, भाग्यहीन भाग्यहीन तो इसलिए होगी तुम निकाल नहीं रहे, क्या कह रहे, भाग्यहीन तो इसलिए होगी तुम है हीरा, और निकालना सरल है कि कठिन है, क्यों हीरा निकालना सरल है कि कठिन है, बहुत सरल है, क्योंकि दृष्टि चाहिए, देखो हम निकालना सिखाए सिखाए, खेलो नहीं हीरा देखो, जरा ध्यान सुनना, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, अब कहाँ गया जो पता ही नहीं, इतनी बड़ी गटर है हिंदुस्तान में, अब कहाँ गिरा जो मालूम नहीं, तो नहीं निकाल पाओगे। आपको पता है 1 करोड़ का हीरा गिरता है तो आदमी क्या करता है, बता सकते क्या करता है, जैसे हीरा गिरा तो उसकी नजर भी हीरे के साथ, पहले हीरा चल गिरा सड़क पर और वो लुढ़कते लुढ़कता गटर में चला, तो उसको हीरे पे नजर थी ना, उसकी नजर से लुढ़का तो उधर भी नजर जा रही, फिर गटर में चला गया तो उधर भी नजर जा रही, और फिर उधर जाके बैठ गया, कोई से नहीं बोल रहा, वो
न इधर देख रहा न इधर देख रहा न चल रहा, चलना था ना बंद, देख रहा इधर। और सारी दुनिया सो रही है, गटर देख रहे, वो क्या देख रहे हो? पकड़ गए? ऐसे ही वो ऐसे बैठा है, नाक नाक दृष्टि, सारी दुनिया सो रही, नाक देख रहे, नाक नहीं देख रहे, इस देह के अंदर हीरा है। तो हीरा कहाँ ढूंढ रहे? शास्त्रों में, समय सारणी में, प्रवचन सारणी में, इधर देख गया, वहां देख गया, उस शिविर में देख गया, उस शिविर में देख गया, हीरा नहीं मिलेगा। जहाँ गिरा है वहां मिलेगा हीरा। देखो तो यही देखो, यही गिरा है, और भूल गए ना तो हीरा गया। फिर ढूंढते रहे ना पूरे दिन हिंदुस्तान की गटर में। अब सरल ही कठिन ने बोला, सरल तब है जब तुम्हें पता होना चाहिए हीरा है कहाँ। मैंने कहा जी बच्चा, और तुम्हारा हीरा, तुम्हारा समझ लो, तुम्हारा हीरा जी बच्चा यही पढ़ता है, यही पढ़ते नहीं पढ़ते आए हो, ठीक है जी बच्चा, तुम्हारा हीरा गटर में पटक के भाग गया, तो तुम इसके पीछे भागोगे कि नहीं भागोगे? काहे जाने हीरा काहे फेंको 1 करोड़ का, पहले जाके दूसरी बनाओ, क्या करोगे बोलो? हाँ देखो 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 जी, चरणानी प्रकट हो गया। अब हम इसे क्रोध नहीं कर रहे, इसका पीछा नहीं कर रहे, गाली गलौज नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, इसने 1 करोड़ का हीरा फेंक दिया। अभी भी हमारी नजर किस पे नहीं है, वो हीरा कहाँ गिरा है वहां देख रहे हैं, जैसी यही देख रहे, तू जा फिर देखे। हीरा निकल आया है तो इतने खुश होंगे तब भी गुस्सा नहीं आएगी, पहले हीरा फेंका तो भी गुस्सा नहीं आ रही, और हीरा मिल गया तो भी उस पर गुस्सा नहीं आ रही। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग, पहले भी कसाई नहीं हो रही थी और ज्ञान में रमणता के बाद भी कसाई नहीं होती, केवल ज्ञान मिल गया तो भी कसाई नहीं होती। ये है कमाल का काम। तुम क्या करोगे बताओ जी, हीरा फेंक जाए तो पहले से डांटोगे क्यों? इधर आ तुझे बताऊं, बोल कैसे फेंका? अरे इसे तो हम देखेंगे ही नहीं, हीरा कहाँ गिरा, इतनी चौड़ी और ऐसी गटर, भूल गए तो मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसे हीरा देखा, ऐसे ही एक बार पकड़ में आ गया द्रगुण पर्याय स्वभाव, द्रव स्वभाव की सिद्धि, अब आचरण सच्चा हो जाए। ठीक चले अब तो आगे पढ़ो, द्रव्य सिद्धि सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ, उद्भत वेति कर्म वृद्धा परेपि। सुबह तो भाव से विरत हो गया, कर्मों से विरत हो गया, मैंने सुबह तो भाव से विरत हो गया। कैसा द्रव्य अविरुद्ध चरणम, अविरुद्धम अविरुद्ध चरणम चरंतु, हिंदी पढ़ सुना अविरुद्ध, दूसरे भी द्रव्य के अविरुद्ध चरण का आचरण करो, द्रव्य के अविरुद्ध आचरण का आचरण करो। बहुत सरल है, बहुत सरल है, द्रव्य से विरुद्ध आचरण नहीं करो, हीरा के विरुद्ध आचरण मत करो। नहीं समझ में आया? अभी ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, और मर जाए कहा करें, हीरा तो दिख नहीं रहा, चेतन हीरा, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, सुबह तो दिखता नहीं। तो 99% स्त्री पुरुष जैन समाज के पंडित जी बताओ, हम 25 साल से रोटी में नमक नहीं खा रहे, 50 साल से चाय नहीं पी, 40 साल से तीर्थ यात्रा कर रहे, 1 करोड़ को दान दे रहा, अब हमें सम्यक दर्शन भाव के नहीं, द्रव्य सिद्धि भाई की नहीं, हम के नहीं भाई। तो अब उनको अगलो डायलॉग हो, मर जाए क्या करें, ना हम सब्जी खा पा रहे, ना दाल रोटी खा पा रहे, ना हम ढंग से कुछ खा रहे, और फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बताओ हम कहा करें। प्रॉब्लम समझ आ रही, बहुत है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये आचरण कर रहे थे और द्रव्य को जाने भी ना कर रहे थे, और द्रव्य को पाने की भावना के बिना कर रहे थे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई था। द्रव्य से अविरुद्ध आचरण करो, इसके पहले कहा सुभाषुभ भाव से रहित अविरत, सुभाषुभ भाव से रहित, इसका अर्थ हो समझो। बस तरह तुम वो हीरा गटर में गिर गया और निकालोगे तो 2 तरह के लोग खड़े हुए, एक तो कह रहे ये कैसा आदमी है गटर में हाथ डाल रहा, तो तुम क्या करोगे बोलो? यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम हीरा छोड़ के चले जाओ? अच्छा यहाँ 4 लोग खड़े, बहुत बढ़िया आदमी है,
गटर में हाथ डालना भी बहुत अच्छा आदमी है। तो क्या करोगे? इसका नाम है सुभाष भाव से बिरल अविरत। नाम से कोई मतलब नहीं, कुछ कहो चाहे मत कहो। स्वामी जी के जीवन चरित में गाना गीत गाया था मैं, स्वामी जी के जीवन चरित में। निंदा करे बेगी जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोद ना करते बेगी जिन्हें ज्ञान सही है। तुम्हारी बुराई होगी तो ये निकालोगे नहीं निकालो? पक्का पूछ लें तब से, पूछ लें। अच्छे बैठ जा फिर से, हाँ एक बार अच्छे बैठ जा, नींद तो नहीं आएगी? हमारा टाइम तो वो ही बाल है, बस 45 मिनट हो जाए। बोलो भैया। तो अब लोग हंसी उड़ाएंगे, रात के नहीं खा रे बेचारे को बाहर नहीं, अरे रे देखो जा रात के नहीं खा। अब यहाँ से मजाक उड़ाएंगे, अब तुम उनके चक्कर में आ जाओगे तो हीरा छोड़ दोगे। ले हम भी आके खा के बता दे रहे हम कौन कम है, तुम नरक में जाओगे तो हम भी नरक में आवे तैयार। यहाँ से पहलवान है जी कि दुनिया कहेगी ये जी आलू नहीं खाता है, कैसे नहीं खाता, लाओ हम खा के दिखा रहे। जे समझ गए उनकी बातों में आके तुम्हें हीरा छोड़ दिया। वे मजाक उड़ा रहे थे, ये देखो 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 गटर में हाथ डाल रहे, सुन झट हम नहीं डाल रहे। समझ गए? हीरा निकालने के बाद समझ आ गया। कोई निंदा करे तुम्हारे आचरण की तो भी नहीं सुनना, और कोई प्रशंसा करे तो अब हीरा निकालोगे। अब कैमरा मैन है 250 देश के, 250 देश के मीडिया वाले, तो तुम्हें वीडियो बनाए तो तुम पहले निकाल भी करोगे नहीं? हाँ पहले फोटो खींच लेंगे। अरे तुम्हारे चक्कर में हीरा चलोगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। मैंने हम निंदा के चक्कर में भी अटकेंगे नहीं और प्रशंसा के चक्कर में भी अटकेंगे नहीं। इसका नाम है हीरा की सिद्धि, द्रव्य से सिद्धि। आगे कौन सा है ऐसी, जब तुम इधर करोगे ना मोक्ष मार्ग में समय दर्शन ज्ञान चाहिए तो पुण्य भी बनेगा पाप भी बनेगा, सुबह सुबह भाव होंगे। लेकिन हमारा हम उधर से देख करके अटकेंगे नहीं, ना अच्छे भाव में अटकेंगे और ना बुरे भाव से अटकेंगे, दोनों से विरक्त रहेंगे। आज समझ में आया? क्या कमाल की बहुत अच्छी लाइन है। हम इसके लिए ऐसे गाते हैं, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। दुनिया थोड़ी समझे, दुनिया तो समझे लड़का है, नेक्स्ट मोड़ा है, नेक्स्ट है क्या तुम नेक्स्ट मोड़ा हो? बोलो। दुनिया चाहे जो समझे मैं तो, जोर से बोलो, मैं तो, जोर से बोलो। अब दुनिया की परवाह नहीं होगी, दुनिया चाहे जो कहे, चाहे जो कहे, जिसकी नजर हीरे पे है वो बातों में नहीं आएगा। पंडित साहब की एक रचना में बहुत अच्छी पंक्ति आती, बातों में जग की मैं न आऊं अब न धोखा खाऊंगा। बोलो भैया, कैमरा मैन फोटो खींच लिया पाकिस्तान टीवी के, अमेरिका टीवी के, तो क्या करोगे? हाँ हीरा देखेंगे, उन्हें देखे ऐसी दुनिया की प्रशंसा की और भी मत देखना और निंदा की और भी नहीं देखना। हाँ समझ में आया? इसका नाम है मुझे आत्मा चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इस दृढ़ स्वभाव की सिद्धि की सेवा मुझे अभी चैन नहीं पड़ रही। इसका नाम है मुनि दशा। तीसरा अध्याय ये मुनि दशा का अध्याय है, पढ़ाएंगे हम आपको। उन्हें जगत की परवाह नहीं होती, अभी तुम नंगे हो जाओ ऐसे कर रहे। अब मुनिराज के लिए क्या करोगे? बोला मुनिराज जी जब नग्न दिगंबर होके जाएंगे दुनिया तो बुरा भी समझेगी अच्छा भी समझेगी, कोई तारीफ करेगा और कोई बुराई करेगा। और मुनिराज निंदा और प्रशंसा से अविरत अपने मस्त रह रहे,
कोई टेंशन नहीं। आज कर कहना हो तो कहो, जग जो कहे सो, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भय ना रुलेंगे। ठीक है, अरे तो हीरा दृष्टांत भूलोगे तो नहीं। ग्रह स्वभाव की सिद्धि में ही चरणानियों की सिद्धि है, और चरणानियों की सिद्धि में ही हाँ आचरण ऐसा मत करो जिसमें द्रव्य ही ना मिले। मीरस रूखा रूखा जड़, इसका नाम है जड़ क्रिया। और ऐसी बातें मत करा करो कि क्या 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 आह आह भगवान आत्मा आह भगवान आत्मा, और निकाले ही नहीं रहे। समझ आया कि नहीं आया? अभी तुम क्या मैं भगवान आत्मा हूँ, देना आलू क्या चित्त हुआ तो लोग आते हैं कैसे भगवान आत्मा है, एक तरफ तो कह रहे हैं भगवान आत्मा और एक तरफ आलू प्याज की चाट पकौड़ी खा रहे हैं, सत्य व्यसन कर रहे पांच पाप कर रहे, ऐसा कैसा है? यदि यदि हीरा गिराए तो निकालने की ही उपाय करोगे, ऐसे भगवान आत्मा समझ में आ जाएगा उस दिन तो हम निकालने का उपाय करोगे। इसी का नाम चरणान योग है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी हमारी सेना हो, जैन शासन की सेवा करने का अवसर आ गया, अवसर आ गया समझे। इस समय सारा देश तुम्हारी ओर देखेगा, इससे सिद्धार्थम के बच्चे हैं, ये बांसवाड़ा के बच्चे हैं, दो ही तरफ के होंगे मेरे ख्याल से, अभी तो थोड़े बहुत माँ के भी आ गए हैं इधर उधर के, मैंने जयपुर के भी होंगे। हमारा मतलब ये है दो तीन काम तुम्हें बहुत करना है। एक तो फालतू लाइट कभी नहीं जल्दी दिखनी चाहिए, कहीं जा रहे हो फालतू पंखा चल रहा है बंद, समझ गए, कहीं फालतू लाइट चल रही लाइट बंद, कचरा पड़ा हो उठा के झट डाल दे। मैंने जैसे भारत स्वच्छता अभियान में नंबर वन कौन आया पता नहीं, मालूम आप लोग अखबार का नहीं पता, इंदौर नंबर टू, भोपाल, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 5000 नगरों में 44-45 नगर है, उन नगरों में 5000 नगरों में इंदौर और भोपाल नंबर वन नंबर टू आया, बड़े बड़े नगर हार गए उससे। आप कभी इंदौर जाओ तो देखना, आप सड़क पर आधी रात को भी कचरा नहीं मिलेगा, एक पॉलीथिन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, एक कंकर नहीं मिलेगा, इतनी सफाई रखते हैं वहां पर। अभी इतना बढ़िया हुआ रंग पंचमी के दिन होली हुई, जम के होली, लोग बाग घर पर गए नहा के नहीं आ पाए, वे लोग नहा नहीं पाए उससे पहले राजबाड़ा की पूरी धुलाई, राजबाड़ा की सड़कें दीवारें सब धो करके व्हाट्सएप पे उसके फोटो घूम रहे, और लोग व्हाट्सएप पे देख रहे कि हम नहीं नहा पाए अभी तक, और राजबाड़ा का पूरा चौराहा मार्केट क्लीन। तो हमने चाह रहे बेटे अपना कहीं परिसर, कहीं भोजनालय, कहीं भी कोई चीज गिरी मिले, दाल गिर गई फटाफट उठा ले, आपको स्वच्छता में नंबर वन आके दिखाना है। हमें मजा जब आएगा जब ये सब जितने लोग आएंगे ना, ये कहें यार सिद्धार्थन के बच्चे जैसे बच्चे नहीं देंगे, गजब है, कहीं गंदगी नहीं पड़ी रहने देते। लोग क्या करेंगे, डिस्पोजल पिएंगे, आप बोलो उड़ रहा हवा में जैसे होते चार गति में, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो बाकी ला जब डस्टबिन में डाल दे, कर लोगे बोलो, इतना काम कर लोगे पक्का, प्रॉमिस। इसके बदले में केवल ज्ञान मिलना, ये ध्यान रखना, आप 1,00,000 नहीं मिलेगा। सफाई मेंटेन सबको करना है, और कोई डाल रहा हो तो बड़े प्रेम से बोले प्लीज अंकल, ठीक है, और वो गर्म हो जाए तो सॉरी। यहाँ देना एक तो हम सही कह रहे हैं, एक तो जो मन है जो बहुत गंदी भाषा है, इधर उधर पटक रहा हो, हमने इनसे कही तो हम पे बन बैठे, नहीं बंद नहीं बैठे, फेंक दिए तो अपन उठा लो,
मान चलो कोई आदमी ऐसा हुई चार बार बोलने के बाद ही वही पटक रखे निकल से, तो फिर उसके पीछे पीछे घूमते रहा। वो कहे का अंकल आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उसके पीछे पीछे घूमते रहा, फिर एक पानी पी बैठ गए। हमें तो पहले ही मालूम थी तुम्हारी मम्मी ने संस्कार नहीं दें। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सेवा में हाजिर उठा के उन्हीं के सामने डाल दे। थैंक यू, काय के लिए थैंक यू दे रहे हैं, उठा के डालने का मौका देने के लिए। तो मजा आ जाएगा। तो एक तो सफाई का अभियान जबरदस्त पूरे पूरे परिसर में, हमें और कुछ नहीं चाहिए चाहिए। नंबर टू, बिजली फालतू नहीं जले, मंडप में भी फालतू लाइट जले क्या जी भैया जी, लाइट बंद करवा बस खत्म। समझ गया, लोग ऐसे होंगे फालतू कूलर चलते मिलेंगे आप, फालतू पंखा चलते मिले आपको बंद करके। समझ लो आप एक ही बच्चा चाहो तो 10-10 हजार रुपए की बचत करा सकते हो। आप अपनी मंदिर के गुल्लक में रुपए नहीं डालो तो कोई बात नहीं, तो 1 लाख रुपए इस मंदिर के गुल्लक से फालतू खर्चा हो गया तो वो पाप लगेगा, अपन उसकी बचत कर सकते हैं। ये तुम्हारा बहुत बड़ा दान कहलाएगा। समझ गए सब लोग, करोगे ये सब काम? दौड़ दौड़ के करोगे कि सो सो के करोगे, रो रो के करोगे कि हंस के करोगे, अपने आप करोगे कि कोई कहना पड़ेगी? पक्का। दृष्टांत कौन से दिया था, 1 लाख पाने के लिए जैसे अलर्ट होता है ऐसे केवल पाने के लिए आचरण बढ़िया होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।